Now you are given in this question that AC is equal to AE, then AB is equal to AD, AB is equal to AD, and we are to show that BC is equal to DE. BC हमने show करना है. That is equal to DE. तो ये आप join कर दोगे DE को, तो आपकी जो है BC is equal to DE show करने के लिए we have got the three triangles ABC and ADE. ये दो triangles अगर हम congruent show कर देते हैं, so we will be having the sides BC equal to DE. तो हमने जो है triangle BAC और DAE को congruent show करना है. इसके साथ हमें एक और कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द एंगल एंड दिस पार्ट ऑफ द एंगल ये हमें इक्वल गिवन है. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो ये मेरी ट्राइंगल है बी ए सी, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ वाले एंगल की बात करूं तो इसमें से मुझे सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल गिवन. तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, लेकिन जब मैं ट्राइंगल की बात कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे ये फुल एंगल लेना है और इधर से ये फुल एंगल लेना है. तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इन दोनों में ये वाला पार्ट जो है दैट इज द कॉमन पार्ट. अब मुझे यहाँ पे एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल गिवन है एंगल इधर से ई ए सी के. तो अगर मैं इन दोनों में ये एंगल डी ए सी जो दोनों में कॉमन है अगर मैं ये दोनों में ऐड कर दूं बी ए डी प्लस डी ए सी तो आपके जो ओवरऑल होल एंगल्स आएंगे दैट विल बी इक्वल. इफ इक्वल्स आर ये डी ए सी इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल. ये आपकी एग्जाम लग रही है यहाँ पे. तो मुझे बी ए डी इक्वल टू ई ए सी ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन था. इस दो पार्ट दोनों एंगल्स में मैंने ये दोनों का जो कॉमन पार्ट बन रहा था वो वाला एंगल ऐड कर दिया. तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल. तो साइड एंगल साइड से आपके जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो पहले आप गिवन लिखेंगे AC is equal to AE, AB is equal to AB equal to AD, angle BAD is equal to angle EAC. तो ये तीनों आपके पॉइंट्स गिवन में आ जाएंगे. फर्स्टली यू आर गिवन AB equal to AD, सेकेंड मैंने ले लिया AE is equal to AC, थर्ड angle BAD is equal to angle EAC. To prove BC is equal to DE, angle BAD equal to angle EAC जो है मुझे गिवन है. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स. यहाँ आप लिखोगे एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स. सो बी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी. अब बी ए डी प्लस डी ए सी That is BAC and EAC. अब यहां ध्यान देना एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी दिस इज इक्वल टू योर एंगल डी ए ई. ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज डी ए ई. अब दोबारा यहां देखो बी सी जो है मुझे डी ई के इक्वल प्रूव करना है. ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है तो ए की पोजीशन दोनों में सेम है. बी सी और डी ई
यहां से BC और DE, इनका जो सीक्वेंस है वो सेम है, तो ये ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर मैटर्स, तो BAC और DAE एंगल्स आपके बन गए। अब सेम ट्राइंगल्स हम ले लेंगे, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE, जो कंडीशंस गिवन है वो लिख लो। ए बी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज गिवन, देन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, प्रूव्ड अबव या फ्रॉम इक्वेशन वन। देन थर्ड हमने लेके चलना है ए ई इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई लिखेंगे क्योंकि ए ई आपका इस वाले ट्राइंगल में है, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इस वाले ट्राइंगल के पार्ट लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड पे मैं इस वाले ट्राइंगल के पार्ट लिख रही हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई। अब आपका जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है वो कौन सा है, साइड एंगल साइड, सेम वे में यहाँ पे साइड एंगल साइड। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल BAC is congruent to triangle DAE. अब दोनों triangles आपकी congruent हो गई, तो by CPCT BC is equal to DE. So ये आपके parts equal हो गए, BC is equal to DE. यही हमें prove करना था, last में आप लिख देंगे hence proof. So if any doubt is there in this question, you can ask for. Otherwise, we are moving on to the next question. Okay. Now moving on to question number 8. Question number 7. Again, this is important. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB, such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. हमें show करना है that the triangle DAP and EBP are congruent and AD is equal to BE. Once you have proved the triangles to be congruent by CPCT, you can prove the second part. So it means हमें first part देखना है हमारा क्या बनेगा। Figure again, this is given to you in the book. Figure में वो हमें कह रहे हैं AB is a line segment and P is its midpoint. तो ये AB line segment ले ली, P इसका midpoint ले लिया, उसके बाद उसने कहा D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, चाहे आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, अगर बुक नहीं, बुक में फिगर नहीं गिवन है, देन आल्सो यू कैन मेक इट अप, आप चाहे इधर ले लो D और E को, चाहे इधर ले लो, लेकिन लेना दोनों को आपने सेम साइड पे है, और इस तरीके से लेना है सच दैट एंगल BAD जो है, एंगल BAD ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल ABE, इसके इक्वल हो, and in the same way angle EPA is equal to DPB, angle EPA yani ki ye wala angle is equal to angle DPB yani ki ye wala angle. So ye hame conditions given hai, humne show karna hai that triangle DAP yani ki ye wali triangle is equal to triangle EBP, EBP yani ki ye wali triangle. So here you can clearly see kya congruency lagegi, given P is the midpoint of AB, first aapka ban jayega AB line segment hai, first line
Second, P is midpoint of AB. Third, angles आप लिख लोगे such that angle हमें given था DAP is equal to EBP. और fourth हमें given था angle EPA is equal to angle DPB. प्रूव करना है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी सो अब हम इसका प्रूफ लेके चलेंगे. तो प्रूफ में हम सबसे पहले ये वाली लाइन सिंप्लीफाई करेंगे. पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. अब क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का तो इट मींस AP जो है दैट इज इक्वल टू PB. अब जब हमें ट्राइंगल्स जो गिवन है अगर हम उनको लेके चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट EBP और DAP अगर मैं लेके चलूं, मैंने ये ले लिया P मिड पॉइंट था तो इट मींस ये और ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है. ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है. तो आपका अगर आप लेके चलो तो बीच में अगर हम देखें तो प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पे भी ये वाला जो एंगल बन रहा है दोनों में कॉमन बन रहा है. तो ये वाला एंगल क्योंकि दोनों में कॉमन बन रहा है तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था ये वाला एंगल हम पहले शो करेंगे कि फुल एंगल. जब ये एंगल हमने इक्वल एंगल्स में ऐड कर दिया तो ये दोनों फुल एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे. तो ए एस ए क्राइटेरिया से आपकी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. तो क्योंकि इतना पार्ट मुझे इनका इक्वल गिवन था बट जो मेरी ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल में ये वाला पार्ट भी मुझे लेके चलना है तो इट मींस एडिंग दिस ईपीडी या डीपीई टू बोथ साइड्स. तो यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे पहले एंगल ईपीए. ये वाला एंगल जो है वो मुझे इक्वल गिवन है एंगल डी पी बी के. ये वाली कंडीशन हम यूज कर रहे हैं फोर्थ वाली. तो एडिंग ई पी डी टू बोथ साइड्स, एडिंग ई पी डी टू बोथ साइड्स so I will be having angle EPA plus EPD DPB plus EPD. तो जब मैंने एंगल EPD दोनों साइड पे ऐड कर दिया तो इधर ये मेरा एंगल बन गया APD और उधर से जो है हमारा एंगल बन जाएगा EPB. Let this be your equation number. अब हम दोनों ट्राइंगल्स जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो लेके चलेंगे DAP एंड EBP. सो इन ट्राइंगल्स DAP एंड EPB, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें गिवन है एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP. सेकेंड AP इक्वल टू PB. यूजिंग वन थर्ड यूजिंग टू एंगल APD इज इक्वल टू EPB. सो अब ये हमारा बना एंगल साइड एंगल. तो बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस AB इज इक्वल टू BE. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बाय ASA क्राइटेरिया. ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल ईबीपी, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया यहाँ पे। और सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था, ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई, सो बाय सीपीसीटी ए डी इज इक्वल टू बी ई। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 6 के, दिस वॉज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 6। So if any doubt is there, you can still raise your hand and ask your doubt. Otherwise, moving on to question number 8. Question number 8, काफी बार आपका exam में आया हुआ है. 4 parts हैं इसमें, पर करना इसको again ध्यान से. यहाँ पे कोई doubt है तो you can ask. So fine, moving on to question number 8 now. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपो। देखो इन क्वेश्चंस में बच्चे, अगर आपको फिगर नहीं भी गिवन है, देन आल्सो जो जो आपको यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ड्रॉ द फिगर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले जब आप सम सॉल्व करने लगे हो तो फिगर आप खुद से ट्राई करो, और उसके बाद फिर चेक कर लो कि बुक में आपकी जो फिगर गिवन है उससे मैच कर रही है कि नहीं, तो आपको अपनी मिस्टेक पता लग जाएगी क्या है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, एबीसी राइट ट्राइंगल है राइट एंगल एट सी, तो मैंने ये एक राइट ट्राइंगल बना ली राइट एंगल एट सी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपो ए बी, ये हाइपो बन गया ए बी, एम इसका मिड पॉइंट ले लिया। सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सी एम। अब सी को एम से जॉइन किया एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सच दैट सी एम इज इक्वल टू डी एम। सी एम और डी एम क्या किया उन्होंने, क्या कहा कि दे आर इक्वल, पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, उसके बाद पॉइंट डी को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। शो दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, हमें शो करना है एक तो ये वाला ट्राइंगल ए एम सी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, ये हमें कॉन्ग्रुएंसी जो है शो करनी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकंड पार्ट में एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, इस एंगल को 90 डिग्री शो करना है। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल डी बी सी ये बड़े वाला ट्राइंगल और इधर से ये बड़े वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, एंड देन आई हैव टू शो दैट सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, कि सी एम जो है दैट इज हाफ ऑफ ए बी। तो ये चार जो है पार्ट्स मुझे शो करने हैं। सबसे पहले हमें क्या लेके चलना है, ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या शो करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अब देखो मुझे गिवन क्या है, एम गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपो ए बी, यानी कि ए एम और बी एम ये दोनों मुझे क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। उसके बाद अगर मैं इनको देखूं तो दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल वन किसके इक्वल होगा, टू के। उसके साथ थर्ड कंडीशन मुझे क्या गिवन थी, सी एम इज इक्वल टू डी एम, तो यहां से अगर मैं लेके चलूं साइड एंगल, साइड से आपके दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी अगर आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि जो आपका ये वाला एंगल है सी ए एम, दिस विल बी इक्वल टू डी बी एम। अब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे, अभी मैं लिखवा दूंगी आपको कैसे लिखना है, पहले समझ लो इसको। सबसे पहला काम मैंने किया, क्या किया, ऐसे ऐसे से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय
सीपीसीटी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपने शो कर दिया कि बीडी और एसी जो हैं वो आपके पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये आपके अगर एंगल्स पैरेलल आ गए तो ये दोनों एंगल्स आपके को इंटीरियर बनेंगे, ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। उसके बाद आपने बड़े वाले ट्राइंगल्स को प्रूव करना है। बड़े वाले ट्राइंगल्स में अगेन सीपीसीटी से आपका बीडी और एसी इक्वल है, बीसी आपका कॉमन है, ये आपने 90 डिग्री ये गिवन था ये शो कर दिया। तो अगेन बाय एसएएस आपका ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो अब आपका क्या हुआ कि डीसी और एबी जो है वो इक्वल आ जाएंगे, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। अगर उनके हाफ इक्वल है तो डीसी का हाफ आपका सीएम बन रहा है, एबी का जो आपका हाफ बन रहा है दैट इज वही शो करना था हाफ ऑफ ए बी, तो आप उसको एज इट इज लेके चलोगे। सो लेट्स प्रूव, गिवन आप लिख लो, बहुत कुछ है गिवन लिखने में, साथ के साथ लिख लेना, आफ्टर दैट आई विल इरेज। गिवन में मुझे है यहाँ पे गिवन राइट ट्राइंगल ए बी सी, सेकेंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, थर्ड सी एम इज इक्वल टू डी एम, सी इज प्रोड्यूस्ड टू एम डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। अब प्रूव करना है जो वो बुक में से आप लिख लो एज इट इज चारों पॉइंट, आई एम नॉट राइटिंग, यू जस्ट राइट इट डाउन फ्रॉम द बुक, ऑल द फोर पॉइंट यू आर टू राइट डाउन ओवर हियर and then we will move on to proof. To proof में first part आपका है triangle AMC congruent to triangle BMD. तो in triangle AMC to proof book में से चारों के चारों points, you can leave the space for that if you are unable to write it along with. बाद में लेटर ऑन यू कैन राइट डाउन। सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू द प्रूफ नाउ। इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, बी एम डी, अब इनमें देखो मुझे यहाँ पे ए एम सी की अगर मैं बात करूं तो ए एम इज इक्वल टू एम बी मुझे गिवन है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, this implies AM is equal to MB. This is given. Second, angle 1 equal to angle 2, vertically opposite angles. Third, CM is equal to DM. This is again given. अब ये side included angle, side. Second triangle में भी this side included angle and side. So by SAS congruency, triangles are congruent. So this is your part one proved. अब part one आपका ये prove हो गया, but वो हमें क्या कह रहे हैं आगे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सीपीसीटी की, तो सीपीसीटी से हमारे पास एंगल सी ए एम जो है दैट इज इक्वल टू एंगल डी बी एम, अब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ गए। वन मोर थिंग यू कैन डू ओवर हियर कि यहाँ पे क्योंकि आप ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल शो कर रहे हो, तो यहाँ से आप ये भी ले सकते हो कि एंगल आपका जो है सी ए एम ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल जब आप ले रहे हो एंगल एम बी सी ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी आपको 90 डिग्री की बना है, बट आप यहाँ पे ये कंसेप्ट भी लगा सकते हो
कि ये दो आपने लाइंस ले ली, ये आपका एंगल आपने शो कर दिया इसके है, तो क्योंकि ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण क्या होगा, आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल आ जाएगी। ये दोनों साइड्स जब आपने शो कर दिया कि पैरेलल है, तो अब अगर यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ, तो ये एंगल ऑलरेडी मुझे 90 डिग्री गिवन है, तो ये भी मेरा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो आप दोनों में से जिस तरीके से जाना चाहो यू कैन गो। मैं इस वाले मेथड से करवा रही हूँ क्योंकि सेकेंड पार्ट में मुझे शो करना है दैट एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। तो मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया सी ए एम इज इक्वल टू डी बी एम बाई सी पी सी टी, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। For sides DB and AC with AB as transversal, therefore AB AC is parallel to DB. अब ये दोनों sides हमने parallel show कर दी, इतना note down कर लो। After that I am going to erase. So, दोनों साइड्स आपकी पैरेलल है यहाँ पे, सिंस ए सी पैरेलल डी बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल बी आपका आ जाएगा 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया यहां से हमारा। नाउ वी विल ट्रेक फॉर द थर्ड पार्ट जिसमें मुझे ट्राइंगल्स गिवन है डीबीसी एंड एसीबी। सो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड एसीबी अब यहाँ पे आपका जो है बाय सीपीसीटी, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। सो डी बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव्ड अबव, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सेम प्रूव्ड अबव, और सेकंड थर्ड बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। सो अगेन बाय एससीएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी ए सी बी। आई होप अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन ask, यहाँ पे कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके फाइन देन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमें शो करना है। अब देखो हमने जो है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगेन बाय सी पी सी टी यहां से आगे मैं इधर लिख रही हूँ बाय सी पी सी टी डी बी जो है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा ए सी के। एक सेकेंड, डी सी जो है दैट इज इक्वल टू ए बी, तो हाफ ऑफ डी सी इज हाफ ऑफ ए बी। दोनों साइड पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू कर दिया। जस्ट अ मोमेंट लवलीना, जस्ट अ मोमेंट बच्चे, हाफ ऑफ डी सी इज सी एम। So this is your answer.